मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। हमने नाविक शास्त्र लिया है, अध्याय 8 है। अध्याय का नाम है सामान्य चेतना, भाग 2 है। ठीक है, सामान्य चेतना मनुष्य को कितनी जागृति, कितनी सोच में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। पिछली कक्षाओं में हमने सामान्य चेतना, यातायात के साधन तथा वाहन चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जेब्रा क्रॉसिंग का आशय और यातायात के दबाव को कम करने के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग का आशय क्या होता है? यह सड़क पार करने वाले व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। सड़क पार करते समय हमें हमेशा सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सड़क पार करते समय जो सिग्नल देते हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, तथा सड़क पार करते समय हरा प्रकाश वाला सिग्नल हमें आगे बढ़ने का संकेत दिया जाता है। साथ ही सड़क के दोनों किनारे फुटपाथ बनी होती है, हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क के दोनों किनारे सफेद पट्टियां होती है जो सड़क चलने वालों के लिए मार्ग निर्धारित करती है कि सड़क के किस किनारे चले। इन्हीं पट्टियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? सड़क पार करनी चाहिए। ठीक है, इसे ही सड़क पर बनी दोनों पट्टियों को हम जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, जो सड़क पार करने वाले व्यक्तियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यातायात के दबाव को कम करने के नियम। अगर कोई यात्री, पैदल यात्री सड़क पार कर रहा है तो उसके दबाव को कैसे कम किया जा सकता है तथा दुर्घटना से कैसे बची जा सकती है, इसके बारे में अध्ययन करें। सड़क हमेशा बाईं तरफ से ही पार करनी चाहिए, हमें बाईं तरफ से ही चलनी चाहिए, तथा सड़क पर हमें सिग्नल की को ध्यान में रखते चलना चाहिए, तथा सड़क पर पार करते समय अगर गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही है तो हमें सड़क के किनारे रुक जाना चाहिए, तथा सड़क पर हमें जेब्रा पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सड़क पार करते समय हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। अगर हम किसी मोटर एवं कार में बैठे हैं तो हमेशा आगे बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये है यातायात के दबाव को कम करने के नियम। आज के लिए बस इतना ही।